आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमिटेड की लालटेन के 661वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय का ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का मुख्य द्वार आपको हम दिखा रहे हैं। किस तरह यह इसका मुख्य द्वार का उपयोग सूचना पटल के रूप में किया जा रहा है, न जाने कितने इश्तिहार यहाँ चिपके हुए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन को मानो इससे कोई सरोकार नहीं है, भारी भरकम द्वार यहाँ लगाए गए हैं। ये द्वार शोभा की सुपारी बने हुए हैं। ये द्वार 2400 घंटे खुले रहते हैं। फिर यहाँ द्वार लगाने का औचित्य क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं आवारा सुअर घूमते हुए दिख रहे होंगे। मुख्य द्वार पर ही कचरे का अंबार लगा हुआ है, भारी भरकम द्वार यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज की सुरक्षा निजी हाथों में है, आउटसोर्स की गई है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सूत्रों का कहना है कि इसके यहाँ सुरक्षा को आउटसोर्स किए जाने के बाद मुख्य द्वार पर कोई भी यहाँ आपको एक भी सुरक्षाकर्मी दिखाई नहीं देगा। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रशासनिक भवन यहाँ आपको सामने जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ स्टाफ क्वार्टर्स हैं और स्टाफ क्वार्टर्स के साथ ही यहाँ इस मैदान में एक बार हम दिखाते हैं। मैदान में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम नीचे से आपको दिखाते हुए ले चल रहे हैं ताकि आपको समझ में इस बात ये बात आ पाए कि मैखाना खुला आहता बना हुआ है पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये मैदान। ये पुराना छात्रावास, जर्जर हो चुका छात्रावास आपके सामने दिखाई दे रहा होगा और ये बियर की एक बोतल, शराब की बोतल यहाँ पड़ी हुई है। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का हम आपको ग्राउंड दिखा रहे हैं, मैदान दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और रात को जब यहाँ पर मैजदे बैठते हैं, मैजदों के लिए एकदम मुफीद स्थान ये साबित होता है, चूँकि यहाँ आवाजाही बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। सुरक्षाकर्मी पता नहीं किसकी सुरक्षा में लगे रहते हैं। ये देखिए, ये दूसरी शराब की बोतल हम आपको दिखा रहे हैं। वास्तव में ये पानी की बोतल यहाँ आपको दिख रही होगी, पानी की बोतल, ये शराब की तीसरी बोतल। शराब की बोतलें यहाँ पर इस कदर पड़ी हुई मिलती हैं। सुबह यहाँ जब बीनने वाले आते हैं, बोतल बीनने वाले जब यहाँ पहुँचते हैं तो वे कम से कम 2 से 3 बोरे बोतल यहाँ से बीन कर ले जाते हैं। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का द्वार, मुख्य प्रशासनिक भवन, और प्रशासनिक भवन के सामने आप देख सकते हैं आवारा सुअरों की फौज यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि चारों तरफ से चार दीवारी से घिरा है। पर दोनों, ये देखिए, एक शराब की बोतल और आपको एक नहीं दो शराब की बोतलें यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। महंगी शराब की बोतल दिख रही है और इसके साथ ही एक शराब की बोतल बाजू में उसकी दिख रही होगी। ये प्रशासनिक भवन, और दरअसल यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज के सूत्रों का कहना है कि 2400 घंटे यहाँ पर गेट खुला रहता है, जिसके चलते मैजदे शाम ढलने का इंतजार भी नहीं करते हैं, वे यहाँ आकर बैठ जाते हैं। उनके लिए यहाँ ये सबसे मुफीद स्थान पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये मैदान होता है। यहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता है। जिला कलेक्टर संस्कृति जैन को चाहिए कि वे, ये देखिए एक शराब की एक बोतल ये और हम आपको दिखा रहे हैं, पेड़ के नीचे यहाँ पड़ी हुई दिखाई दे रही होगी। अलग अलग तरह की शराब की बोतलें बात की चुगली करती दिखती हैं कि यहाँ पर कई लोग आकर अलग अलग समूहों में बैठा करते होंगे, पेड़ के नीचे, हरियाली के नीचे यहाँ पर बैठकर। ये देखिए, चखना और बाकी चीज़ें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। जिलाधिकारी संस्कृति जैन से अपील है कि वे एक बार पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रशासन से इस बात का के दरियाफ्त जरूर करें कि ये सामने जो आपको दिख रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रशासनिक भवन का मुख्य द्वार, और बाईं तरफ जो आपको ये मोटरसाइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है और गार्ड भी टहलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, बाईं तरफ जो मोटरसाइकिल खड़ी है गार्ड का, यहाँ पर गार्ड रहते हैं, एक बोतल और दिख गई यहाँ पर। गार्ड किसकी सुरक्षा में है, क्या उन्हें ये दिखाई नहीं देता है यहाँ पर दिन दहाड़े बैठकर मैजदे शराबखोरी करते हैं और रात के समय आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, यहाँ पर गाली गुफ्तार होती है, गाली गलौज होती है, पता नहीं पूरे मोहल्ले को इसकी आवाज़ आती है। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन को, प्राचार्य, विशेषकर प्राचार्य को इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ पाती। प्राचार्य निवास के ठीक बाजू में
गर्ल्स हॉस्टल कन्या छात्रावास होने के बाद भी यहाँ पर इस तरीके की अवैध गतिविधियों पर कोई अंकुश नहीं लग पाया है। जितने भी पुलिस अधीक्षक नगर निरीक्षक यहाँ पर आए हैं उन सभी से अपील करने के बाद भी अब तक इस पर रोक नहीं लग पाई है, जो सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 661वां एपिसोड। पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर खेल के मैदान को मैखाना बना लिया है। खेल के मैदान में सरेआम यहाँ पर शराबखोरी की जाती है। खुला आता यहाँ पर बना दिखाई देता है। शराब की फूटी बोतल और अवशेष भी यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। सुबह सवेरे सैर करने वालों के पैर से छलनी हुए बिना नहीं रहते हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 661वां एपिसोड। खिलाड़ियों के बैठने के लिए यहाँ पर खिलाड़ियों के द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की गई। इन व्यवस्थाओं का दुरुपयोग मयजदों के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर शराब की बोतलों के फूटे कांच इस बात की चुगली कर रहे हैं कि यहाँ शराबखोरी के बाद मयजदे जब बैठते हैं उसके बाद उनके बीच जो भी विवाद होते हैं विवाद के बाद यहाँ पर शराब की बोतलें फोड़ दी जाती हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर बैठकर स्कोर बुक अगर यहाँ पर रखकर लिखी जाती है या फिर कोई प्रतियोगिता होती है तो उसके लिए जो पारितोषक यहाँ रखे जाते हैं उसके ऊपर ही बोतल फोड़ दी जाती है। ये सब कुछ जिला मुख्यालय में हो रहा है। जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी भी यहीं पर हैं, जिला पुलिस अधीक्षक भी हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी यहीं हैं और अनुभागीय अधिकारी पुलिस नगर कोतवाल सबके रहते हुए ये स्थिति है। बैठक दर बैठक जिला प्रशासन में बैठकों का दौर लगातार जारी रहता आया है। जितने भी जिलाधिकारी रहे हैं उनकी ये देखिए यहाँ पर शराब की बोतलें आपको एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, फूटी शराब की बोतलें। जितने भी जिलाधिकारी यहाँ पर आए हैं बियर का कैन भी आपको दिख रहा होगा। बैठक दर बैठक हाँफने लगते हैं अधिकारी इन बैठकों से और निर्देश बहुत कड़े निर्देश जारी होते हैं और उन कड़े निर्देशों का पालन किस तरह होता है ये देखने सुनने की फुर्सत शायद ही किसी को रहती हो। ये देखिए यहाँ पर शराब की एक बोतल और हम आपको दिखा रहे हैं। वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति है शहर के खाली रिक्त भूखंडों की। खेल के जो शेष बचे मैदान, वैसे तो खेल के मैदान सिवनी शहर में है नहीं, एक स्टेडियम हुआ करता था जो सभी खेलों के लिए होता था, जहाँ अब फुटबॉल के लिए घोषित तौर पर जिसे बना दिया गया, जबकि वो फुटबॉल के लिए स्टेडियम नहीं है, सभी खेलों के लिए स्टेडियम है। 80 से 90 के बीच के दशक में जो भी यहाँ पर महाविद्यालय शालय में अध्ययन किया होगा, जिन किसी ने भी अध्ययन किया होगा, उन्होंने वहाँ क्रिकेट भी खेला होगा, हर तरह के खेल हुआ करते थे। अब वहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम के नाम पर इसे कर दिया गया है और फुटबॉल छोड़कर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने के लिए आरक्षित कर दिया गया। पैदल चलने का भी शुल्क लिया जाता है। वास्तव में एक नई परंपरा का आगाज ये देखिए एक शराब की बोतल और आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ये एक शराब की बोतल और आपको दिखाई यहाँ पर हमने महंगी शराब की बोतलें लेकर बैठते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ये देखिए लड़ाई झगड़े के बाद जूता यहाँ पर किसी सज्जन का यहाँ छूट गया होगा ऐसा माना जा सकता है। दो दो द्वार होने के बाद उन द्वारों को 24 घंटे खोलकर रखने का औचित्य समझ से परे है पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन का। प्राचार्य से अगर ये कहा जाए कि प्राचार्य से संभल नहीं पा रहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये प्रबंधन तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गर्ल्स हॉस्टल ठीक सामने प्राचार्य निवास के ठीक सामने गर्ल्स हॉस्टल, ये प्राचार्य निवास और इसके बाईं तरफ गर्ल्स हॉस्टल कन्या छात्रावास, और यहाँ पर भी शराब की बोतलें पड़ी दिखाई देती हैं। किसी दिन अगर कोई अनहोनी, भगवान ना करे अनहोनी, ये देखिए उसके ठीक सामने आपको ये शराब की बोतल दिख रही होगी। गर्ल्स हॉस्टल से बमुश्किल 20 से 25 मीटर की दूरी पर ये एक शराब की बोतल यहाँ पर पड़ी दिखाई दे रही होगी आपको। अगर ये देखिए सामने जो दिख रहा है आपको, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल दिखाई दे रहा है, गर्ल्स हॉस्टल का और ये प्राचार्य निवास हम आपको दिखा रहे हैं। ये सब होने के बाद भी ना तो पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रबंधन को, ना सिवनी के विधायकों को, ना ही सिवनी के सांसदों को इस बात की कोई परवाह है कि
इस तरह से अघोषित तौर पर हो रही शराबखोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में उनके द्वारा कोई कदम उठाए जाए, किसी के द्वारा इस मामले में कोई प्रयास होते दिखाई नहीं देते हैं। ये गाजर घास पूरे शहर में पटी पड़ी है। जिलाधिकारी के द्वारा हाल ही में नगरपालिका परिषद नगर परिषदों की बैठक ली गई, पर उस सब के बाद भी बैठक दर बैठक नतीजा सिफर ही कहा जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में आप देख रहे हैं लिमटी की लालटेन का 661वां एपिसोड। ये एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर गाजर घास से अटा पड़ा पूरा मैदान। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।